दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे अलसी के बीज का इस्तेमाल करके, यानी कि जो फ्लैक्स सीड कहते हैं इंग्लिश में, उसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बालों में नई जान ला सकते हैं। जिन लोगों के बाल काफ़ी टूटते झड़ते, काफ़ी बालों में डेंड्रफ हो गई, काफ़ी पतले होने की वजह से बाल बीच में से टूटने लग गए, तो उसको किस तरीके से स्ट्रोंगर 2x प्लस स्ट्रोंगर बना सके, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर देना, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस अलसी के यानी कि फ्लैक्स सीड के फायदे की। इसके अंदर ऐसे क्या कंटेंट पाएगा जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं? तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और प्लस एंटीऑक्सीडेंट पाए गए जो हमारे स्कैल्प के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। हमारे बालों के जड़े में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। हमारे स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों कई लोग उसका जो भी हम बनाते हैं इसकी रेमेडी बनाते नहीं आती। दोस्तों आपको किस तरीके से बनाना हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में। तो इसके मैंने आपको फ़ायदे बता दें किस तरीके से ये अलसी हमारे फ़ायदे करती है हमारे बालों के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले आपको अलसी के अंदर पानी मिला देना है, इतना पानी मिलाना है कि ये अलसी बिल्कुल अच्छी तरीके से भीग जाए, डूब जाए। डबल क्वांटिटी में आपको पानी लेना है। उसके बाद आपको गैस पर रख कर इसको पकाना है, हल्की आँच में पकाना है, बिल्कुल अच्छे से पक जाए तब आपको उसको छानना है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल गर्म हो तभी इसको छानना है। अगर ये ठंडा हो गया तो आपका जो भी इसका ये जेल कहते से वो निकलेगी नहीं। दोस्तों ये काफ़ी गलती लोग कर देते हैं कि ठंडा होने के बाद इसको छानने लगते और उनकी जेल नहीं निकलती, तो आपको ये गलती नहीं करना है। इसको बिल्कुल गर्म रहे तभी इसको छान लेना है। ये छानने के बाद इसकी जेल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसके अंदर आपके पास जो हेयर ऑयल अवेलेबल हो उसको ऐड कर देना। दोनों हेयर ऑयल में ऐड करने वाला हो, जैसे कोकोनट हेयर ऑयल और इसके अंदर मैं कच्ची घानी का तेल यानी कि सरसों का तेल को भी मैं ऐड करूँगा। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पूरे बालों पर लगाना है। दोस्तों टाइमिंग तो जैसे मैं आपको बताता ही हूँ, ओवरनाइट के लिए ही इसे यूज़ करना है। स्कैल्प से लेके पूरे बालों पर लगाकर ओवरनाइट तक रख देना है। वीक में आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके बाल जो झड़ रहे तो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, बाल टूटना कम होंगे बीच में से, यानी ऑल ओवर बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हमारे स्कैल्प की सफाई करने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो उम्मीद करूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।